बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ने का मन है? चलिए आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान का पाठ धातु और अधातु पढ़ते हैं। लेकिन इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं कुछ सवालों के जवाब आप लोगों से जानना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको चित्र में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब जैसा कि सबसे पहला चित्र है आभूषण, यह किसका बना है? सोने का। ऐसे आभूषण चांदी के भी बनते हैं और आजकल प्लेटिनम के भी बन रहे हैं। दूसरा तो कोयला आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद है बर्तन, स्टील के बने हैं, चमचमा रहे हैं। लेकिन बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम के भी होते हैं और आपने पीतल के भी बर्तन देखे होंगे। आजकल प्लास्टिक के भी बर्तन आ रहे हैं, एक से एक सुंदर। कांच के भी बर्तन आते हैं। इसी तरह यहाँ जो कुर्सी है यह लकड़ी की बनी है, लेकिन कुर्सी प्लास्टिक की भी होती है। और जब आप लोग पार्क में या बगीचे में जाते हैं तो वहां आपने पत्थर या सीमेंट के बने हुए कुर्सियां भी देखी होंगी। इसी तरह जो स्टूल है यहाँ प्लास्टिक का बना है, वैसे स्टूल लकड़ी का भी होता है या और किसी अन्य पदार्थ का भी बना हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर पीतल के तार आपको दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि तार एल्यूमिनियम के भी बनते हैं और सोने और चांदी के भी तार बनते हैं। अभी तो उनका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ स्टील की रॉड है, हम लोग लोहे की रॉड भी देखते हैं या रॉड अन्य पदार्थों की भी बनी हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, इसके आगे और पदार्थों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कोयला, तो हम लोग इसके आगे लोहा, स्टील, इसी तरह लकड़ी, कागज के आगे हम लोग क्रोमियम, कार्बन, हाइड्रोजन, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पदार्थों के नाम जानते हैं। अब हम लोग पदार्थों को गुणों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। चमकीला है चांदी, पीचने पर फैलता है एल्यूमिनियम, गर्म करने पर गर्म होता है लोहा, लचीला है तांबा। इसी तरह चमकीला नहीं है कोयला, पीचने पर नहीं फैलता है प्लास्टिक, गर्म करने पर गर्म नहीं होता है पत्थर, लचीला नहीं है कागज। तो वे पदार्थ जो चमकीले हैं, पीचने पर फैलते हैं, गर्म करने पर गर्म होते हैं और लचीले हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। और जो पदार्थ चमकीले नहीं है, पीचने पर नहीं फैलते हैं, गर्म करने पर गर्म नहीं होते हैं और लचीले नहीं है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो आज हम लोग धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण है दिखावट, एपीरियंस। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं, जैसे तुम लोग अपने घरों में देखते हो, कैंची है, लोहे के बने औजार हैं, सब भूरे रंग के ही होते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है कि सोना पीले रंग का होता है। सोने के आभूषण गहने देखे हो, पीले रंग के होते हैं। और तांबा जो है यह कुछ लाल जैसे रंग के होता है। घरों में जो तुम तांबे के बर्तन देखते हो, ये कुछ लाल जैसे होते हैं। दूसरा है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती है, जैसा कि चित्र में तुम यहाँ देख रहे हो। लोहा ठोस है, जस्ता ठोस है, तांबा ठोस है। लेकिन अपवाद है कि पारा जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह अधिकतर धातुएं जो है वो कठोर होती है, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, ये सब कठोर है। लेकिन यहाँ भी अपवाद तुमको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम है कि हम इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। यहां पर देखो मरकरी, पारा देख रहे हो, जो कि सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह सोडियम है, इतना मुलायम है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं। और उसी तरह पोटेशियम, यह भी मुलायम है और इसे चाकू से काटा जा सकता है।
अब यहाँ पर प्रश्न है जो तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। इतने मुलायम है कि तुम इन्हें चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। तीसरा गुण है धातुई चमक, लश्चन। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, जैसे यहां तुम गहने देख रहे हो कितनी चमक है, इसी तरह नए बर्तन जब तुम खरीद के लाते हो चमचमाते नजर आते हैं। नल, तुम्हारे साइकिल की रिम, ये सब बिल्कुल चमचमाती नजर आती है, जिसे हम लोग धातुई चमक कहते हैं। चौथा धातुओं का भौतिक गुण है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मतलब जब हम इन्हें ठोकते हैं या पीटते हैं तो ये टूटती नहीं है, बल्कि पतली चादरों या पात्रों में बदल सकती है। जैसे कि लोहे को पीटकर उसकी कील बनाई जाती है, लोहे की खुरपी, लोहे के औजार, हल वगैरह बनते हैं, हल का फाल वगैरह। और इसी तरह अल्मीनियम को पीटकर उसकी पन्नी बना दी जाती है। पांचवा गुण है लचीलापन, डक्टिलिटी। धातुएं लचीली होती है, इसी कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा, सोना बहुत अधिक लचीली धातु है। यहाँ पर तुम तांबा के तार देख रहे हो, सोने और चांदी के भी तार बनते हैं, तभी तो उनका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। छठा गुण है धवनयात्मकता, सोडोरस। धातुएं धवनयात्मक होती है, जब इन्हें हम किसी चीज से ठोकते हैं या बजाते हैं तो इनसे आवाज निकलती है, एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के इसी गुण के कारण जो घंटियां हैं, वो तुम्हारे विद्यालय की घंटी पीतल या लोहे की होती है, इसी तरह मंदिरों की घंटियां भी धातुओं की ही बनी हुई होती है। यहां पर हम लोग कुछ वस्तुओं को लेंगे और उन्हें बजा कर देखेंगे कि उनसे ध्वनि निकल रही है या नहीं निकल रही है। जैसे धातु की चम्मच है, स्टील की चम्मच ले लो, जब उसको ठोकोगे तो ध्वनि आएगी, जबकि पेंसिल का लीक और कोयले का टुकड़ा से ध्वनि नहीं आती है। सातवां गुण है ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, मतलब गर्म करने पर वे गर्म हो जाती है, और धातुओं के इसी गुण के कारण खाना पकाने के बर्तन धातुओं के ही बनते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, इमर्शन रॉड, वो भी धातु की ही बनी होती है। आठवां गुण है विद्युत सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, इसी कारण बिजली की तारें तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनाई जाती है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं। लेकिन तुमको याद रखना है कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। यहाँ पर देखो तुम एल्यूमिनियम का तार और तांबे के तार देख रहे हो। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, तो बिजली के तार तांबा के ही क्यों बनते? एल्यूमिनियम, चांदी और सोना के क्यों नहीं बनते? इसका कारण है कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं, इसीलिए उनसे विद्युत शक्ति का ह्रास भी ज्यादा होता है, और सोना और चांदी महंगे भी है। एल्यूमिनियम सस्ती है, लेकिन इसमें लचीलापन कम है, मतलब बार बार मोड़ने पर यह टूट जाती है, इसीलिए बिजली के तार तांबे के ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप लेंगे, कुछ हम लोग चीजें लेंगे, जैसे धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबड़, एल्यूमिनियम की पन्नी और बैटरी, और चित्र में दिखाए गए अनुसार विद्युत परिपथ बनाएंगे। यहाँ विद्युत परिपथ में एल्यूमिनियम की पन्नी लगी हुई है और हम लोगों का बल्ब जल रहा है। अब हम लोग जब एल्यूमिनियम की पन्नी के स्थान पर रबड़ लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, धातु का छल्ला लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है।
लोहे का टुकड़ा कोयले का टुकड़ा लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, जबकि लोहे की चाबी लगाने पर बल्ब जलने लगता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा धातुओं के भौतिक गुण, दिखा हुआ भौतिक अवस्था, चमक, आघात, वर्धनीयता, लचीलापन, धमनात्मकता, ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता। अब इस पर आधारित मैं तुम्हें कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। पहला प्रश्न, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के ही क्यों बनाए जाते हैं? इसका कारण है, जैसा कि तुम लोगों ने सीखा, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, मतलब गर्म करने पर आसानी से तुरंत गर्म हो जाती है, इसीलिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के ही बनाए जाते हैं। दूसरा है, मंदिरों और विद्यालयों की घंटियां धातुओं की ही क्यों बनी होती है? तो जैसा कि तुम लोग अभी जाने, धातुएं जो है वो ध्वन्यात्मक होती है, मतलब जब हम इन्हें ठोकते हैं या किसी चीज से बजाते हैं तो इनसे अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसीलिए घंटियां जो है वे धातुओं की ही बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग क्यों किया जाता है? पारा द्रव धातु है, सामान्य तापक्रम पर यह द्रव अवस्था में रहती है, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह हम लोगों का धातु और अधातु का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।